संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। पंद्रवा दिन है जी। हाँ जी, ये जो 258 करोड़ कोई प्रशासन आ नहीं रहा, कोई सुध नहीं लै रहा, अज तक कोई भी नहीं आया, वो वास्ते अच्छ रोस प्रदर्शन कटे जी। अज जो इन्हों का पुतला फूकया, जे पी दलाल का, दुष्यंत चौटाला का, खट्टर का जी। पत्रकार साथियों, आज जो हमारा पिछले 15 दिनों से करीब 2020 का बकाया मुआवजा को लेकर और बीमा क्लेम और अन्य मांगों को लेकर हमारा धरना लगा हुआ है, उसमें हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने अभी तक हमारी सुध नहीं ली है। हमने 3-4 बार बरसात भी हुई है, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी ट्रालियों में भीगे भी हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन ने कोई हमारी सुध नहीं ली है, हरियाणा सरकार ने सुध नहीं ली है। इसलिए आज हमारी धरना कमेटी के निर्णय जो लिया था, आज हमारा हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का पुतला फूका गया, जो कि पक्का मोर्चा डीसी ऑफिस लघु शैल से चलकर बाजारों से होता हुआ सुभाष चौक पर पहुंचा है, और अभी यहां आकर हमारे साथियों ने अर्धनंगन होकर हमारे जो स्लोगन है अपने शरीर के ऊपर खुदवाकर बकाया मुआवजा जारी करो और किसान जिंदाबाद और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लिखे हैं। और अब जो अगला प्रोग्राम है, जल्द ही जो बहुत बड़ा एक आंदोलन हम तेज करने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, जो कि पूरे देश भर के हमारे गैर राजनीतिक संगठन है, वो सिरसा में पहुंचेंगे, एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और इस धरने को लेकर और ताकत देंगे। इसलिए आप सभी साथियों का धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कवर की है, आपने किसानों की आवाज उठाई है, आप सभी पत्रकार साथियों का इतने खराब मौसम में भी यहाँ पहुँचने का धन्यवाद। अब मैं प्रकाश ममेरा जी से भी अपील करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। प्रकाश ममेरा जी, आज हमारे धरने का 15वां दिन था, सरकार ने और प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली। जिला प्रशासन ने हमारे को मूलभूत सुविधाएं जो 16 तारीख को हम बैठे थे लिखित में दे करके आए थे कि हमें पानी, लैट्रिन, बाथरूम और दूसरी सुविधाएं हमें दी जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी हमें पूछा तक नहीं गया। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार का भी कोई प्रतिनिधि या कोई साथी नहीं आया। इसके जोश में आज जो है हमने अर्धनंगन होकर के इस सरकार को जलाया हमने, और कुछ साथी ये पूछ रहे थे, मेरी एज 65 साल की है, मेरी एज 65 साल के कुछ साथी कह रहे थे ठंड की वजह से आप मर जाओगे।
लेकिन मैंने कहा चुकूंगी मेरी सरकार के कान खोलने के लिए अगर किसानों की मांग को लेकर के अगर मरा भी जाए तो मैं कहता हूँ कोई मेरे से इससे बड़ी कोई खुशी और नहीं हो सकती। और हमारा तब धरना जब तक जारी रहेगा तब तक हमारी एक एक मांग नहीं मान ली जाती। 6 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, 6 तारीख को धरना स्थल पर एक महापंचायत होगी जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता इसमें पहुंचने वाले हैं। आपने कवरेज किया, आपने हमारे को टाइम दिया, इसके लिए सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।